अभी आज आरू का FRI में फंसते हैं आज। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा, उत्तराखंड देवभूमि देहरादून से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत आज हम लोग आए हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो दोस्तों, आपने मेरे पहले वाले दो ब्लॉग देखे होंगे। पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ दिखाया हुआ है जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, म्यूज़ियम मैंने आपके साथ सारा शेयर करा हुआ है। मतलब मैं आज आपको बस हम लोग घूमने के पर्पज़ से आए हुए हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है, तो इसके लिए उनको घुमाने के लिए आए हैं। तो म्यूज़ियम पहले से देख चुके हैं, तो इसके लिए आज म्यूज़ियम में नहीं घूमेंगे, बाकी सब जगह घूमेंगे। तो जिसे भी म्यूज़ियम के बारे में जानना है, तो आप मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अभी आज आरू का FRI में फर्स्ट डे है। आज आरू को हम लोग FRI फर्स्ट दिन लेके आ रहे हैं। ये देख सकते हो, बहुत ही एक्साइटेड है। यहाँ पे देख सकते हो आप इसको, यहाँ पर इतना मतलब झूम रही है, खेल रही है और भाग रही है, इधर से उधर, पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है इसको। तो दोस्तों अभी हम लोग फील्ड में बैठे हुए थे, हमने बहुत इंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और इसके बाद अभी ही हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे, उसमें तो आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कुछ दिखाया हुआ है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, और अंदर भी बैक कैमरे। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये पूरी का पूरी बिल्डिंग काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। आजकल यहाँ पर जो ग्रास है, ये बहुत सूखी हुई है, और जुलाई अगस्त में जब बारिश का मौसम होता है ना, उसके बाद बरसात के मौसम के बाद यहाँ पर बहुत ही हरियाली खिली हुई होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लगता है सब कुछ, और आजकल थोड़ा सा ग्रास मतलब हरा नहीं है, यहाँ पे हरियाली नहीं हुई है। बरसात के बाद तो यहाँ पे फूल भी इतने प्यारे खिले हुए होते हैं, इतना सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ का। तो अभी मम्मी और आरू और सूरज लोग ये पीछे से आ रहे हैं। देखो आरू, जल्दी आ, देख सकते हो आरू को पीछे से भागते भागते आ रही है कि मम्मा आगे चली गई है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि सर्दियों के मौसम में ना, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर ना धूप सेकने के लिए सबसे अच्छा है। मतलब यहाँ पर
धूप जमी हुई है, तो इसके धूप में ना लोग लेट के आराम से धूप सेकते हैं। देख सकते हो आप आरू, अब आरू को थकान लग गई। हम काफ़ी आगे तक गए थे ना पैदल वॉक करते हुए, तो उसे अब थकान लग गई। वो कह रही गोदी में आना है, उसकी दादी ने उसे गोदी में उठा दिया और सच में बहुत थकान लग रही है क्योंकि हम बहुत आगे तक गए थे ना ऐसी। मतलब और दिन जब भी आई थी मैं अंदर ही अंदर घूमी थी, और ये जो फ्रंट गेट है ना जहाँ से मूवी वगैरह की शूटिंग हुई है उस वाले गेट पे मैं कभी भी नहीं गई थी। आज मैं पहली बार मतलब वहाँ आधे तक तो गई हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है ना, 2-3 किलोमीटर आगे है। और आज मैं ना हील्स वाले शूज़ वेयर करके आई हूँ क्योंकि सोचा कि चलो यार बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और कंफर्टेबल तो होते नहीं है, मैं कभी पहनती नहीं हूँ ना हील्स वगैरह, तो कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ मैं अपने बिल्कुल शूज़ मुझे ही अच्छे लगते हैं उसमें चलना। और आज थोड़ा अनकम्फर्ट फील कर रही हूँ हील्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बैक साइड का नज़ारा, ये। और आजकल जो ये फूल है ना आजकल बिल्कुल भी नहीं खिले हुए, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतने ये जुलाई अगस्त में बहुत ही प्यारे खिले हुए होते हैं, इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है फूलों मतलब सारे जितने भी यहाँ पे पेड़ हैं सब में फूल खिले हुए होते हैं। ये देख सकते हो आप आरू को। हाँ जी आओ, अब नीचे उतरो बच्चे, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतर के चलो, चलो चलो आओ आओ मम्मा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आजकल में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रेनोवेट हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर, मुझे भी नहीं पता, यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे वुडन ये इस तरीके के ये सारे मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है यहाँ पे। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी आगे फ्रंट में भी मैंने देखा था रेनोवेट हो रहा है, मुझे लगा शायद वहीं पर हो रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी सारी बिल्डिंग्स है वहाँ पे रेनोवेट हो रहा है, और अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके से है रेनोवेट। ये देख सकते हो दोस्तों आप, और ये गाड़ी में भी कुछ भर के ले जा रहे हैं। दोस्तों
पर मम्मी, दीदी, सूरज और मैं। यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है। अभी इवनिंग का टाइम है तो ठंड होने लग गई है, तो हम लोग अभी यहाँ पे पी रहे हैं चाय। ये यहाँ पर कैंटीन है पीछे, हमारे पीछे। ओहो अरविशा, और इसके बाद दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग घर, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम लोग जाने लग गए हैं घर। हमने यहाँ पे चाय पी और रास्ते में खाएंगे अब फास्ट फूड मोमोज, जो कि सबके फेवरेट होते हैं। और देखो मम्मी और ये लोग आ रहे हैं। हमने एक्टिवा आगे पार्क करी हुई है, तो अभी हम लोग चारों एक्टिवा से आए थे। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलो फिर दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल ऐसे ही रखा करो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।